हुआ दुरंतो एक्सप्रेस से कच कर प्रेमी प्रेमिका की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन मृतक युवक के सीने पर दिल का चिन्ह बना हुआ है। पुलिस का मानना है कि वे प्रेमी युगल हो सकते हैं। हिंगना पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार नागपुर मुंबई डाउन ट्रैक पर ट्रेन नंबर 12289 दुरंतो एक्सप्रेस के सामने 20-22 वर्ष के प्रेमी प्रेमिका आ गए। ट्रेन की गति अधिक होने से दोनों करीब 500 मीटर तक घसीटते चले गए। हादसे में दोनों के ही शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस ने हिंगना पुलिस को इसकी जानकारी दी। हिंगना के थानेदार विशाल काले अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए उन्हें शासकीय अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि पुलिस मृतकों की पहचान करने और घटना के कारण जानने का प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस को भी उम्मीद थी कि उनके मोबाइल फोन से कुछ जानकारी मिल सकेगी, लेकिन दोनों का ही मोबाइल टूट कर चकनाचूर हो गया। चर्चा है कि उनके पैरों में रस्सी बंधी हुई थी। वे दोनों रोजमर्रा उपयोग में आने वाले कपड़े पहने हुए थे। उनके पास कोई भी सामान नहीं था। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस का कहना है कि वे युवक और युवती दोनों प्रेमी युगल हो सकते हैं। फिलहाल हिंगना पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।